देवगढ़ पुलिस को मंगरा क्षेत्र की महाकाल गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस की टीम पर इसने तलवार से हमला किया था। देवगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए राजसमंद जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधी मंगरा क्षेत्र की महाकाल गैंग के सरगना को देवगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवगढ़ थाना प्रभारी नैना लाल सालवी ने बताया कि मुखबिर के सूचना मिली थी कि महाकाल गैंग का सरगना समंदर सिंह उर्फ सागर बाबू सिंह निवासी का लिखाकर काछबली आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कुछ समय से तथाकथित महाकाल गैंग का सरगना होकर गैंग को संचालित कर रहा था। देवगढ़ पुलिस ने एक सप्ताह पहले ही कोबरा गैंग के सरगना सुरेंद्र उर्फ सूर्या और उसके सदस्य वीरेंद्र उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था। इन दोनों गैंगों में आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और ग्रामीण क्षेत्र में इन दोनों गैंग का आतंक मचा हुआ है। दोनों ही गैंग देवगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। उक्त अपराधी जो शराब की तस्करी मारपीट आगजनी का आदतन अपराधी है और आला दर्जे का बदमाश बन गया था। जिला राजसमंद में वांछित अपराधी सागर सिंह उर्फ समंदर सिंह पिता बाबू सिंह रावत राजपूत निवासी कालेकाकर काचमली को कल थाना आजा की जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और कल आज इसको पेश करके इसका जैसी रिमांड शिविर कराया गया। इसे पूछताछ की गई, कई मामलों में वांटेड है और इसके जो साथी अपराधी है उनको भी चिन्हित कर लिया गया, उसकी अपराध उनकी गिरफ्तारी भी हमले में लाई जाएगी।